टाइप्स ऑफ जावा एप्लीकेशन, इसमें थोड़ी और क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। सबसे पहले स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन क्या होता है? डेस्कटॉप एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल, और विंडो बेस्ड एप्लीकेशन, ठीक है। ये ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसको आप इंस्टॉल आपको करना ही होगा आपके कंप्यूटर में, तभी रन होगा। कोई भी आपके पास मशीन है, ठीक है, मान लीजिए 5 कंप्यूटर है, तो 5ों कंप्यूटर में इंडिविजुअली आपको इंस्टॉल करना होगा, तब जाके आप उसे यूज़ कर पाएंगे। तो ये होते हैं ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर जो स्टैंड अलोन होते हैं। एग्जाम्पल वही जो मीडिया प्लेयर है, एक्रोबेट रीडर है, एंटीवायरस है, ठीक है, ये हैं एग्जाम्पल आपके स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के। अगर आप एक डेवलपर बनना चाहते हैं और सिर्फ आपका फोकस है कि स्टैंड अलोन एप्लीकेशन में ही आप काम करना चाहते हैं फ्यूचर में, है ना, उसी टाइप की एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं, तो आपको क्या सीखना पड़ेगा जावा में? AWT और स्विंग, ये दो एडवांस जावा के ये दो चीज़ें हैं, AWT और स्विंग, ये आपको सीखना पड़ेगा स्टैंड अलोन एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए। वेब एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन क्या होता है? जो सर्वर साइड पे रन होता है और एक डायनेमिक पेज को क्रिएट करता है, है ना, उसे कहते हैं वेब एप्लीकेशन। अब वेब एप्लीकेशन में डेवलपर बनना चाहते हैं, वेब एप्लीकेशन के डेवलपर, तो आपको क्या सीखना पड़ेगा? सर्वलेट, JSP मतलब जावा सर्वर पेज, स्ट्रट, स्प्रिंग, हाइबरनेट और JSF, ये सारे हैं टेक्नोलॉजी आप बोल लीजिए या फीचर्स बोल लीजिए जावा के, या मॉड्यूल्स बोल लीजिए, ये यूज होते हैं वेब एप्लीकेशन के लिए। हाँ जी, JSF जावा सर्वर पेज, सर वो पी है पेज, हाँ पेज, जावा ये एफ, JSF, आप JSF पूछ रहे हो? हाँ जी सर। अच्छा, इसमें जैसे तो जावा ही हो गया फ्रेमवर्क, ठीक है, जावा सर्वर फ्रेमवर्क ऐसे ही होता है, राइट, जावा सर्वर फ्रेमवर्क या फेसेस ऐसे करके होता है, मैं एक बार फिर क्रॉस चेक करके बता देता हूँ आपको, फेसेस कहते हैं, ठीक है, जावा सर्वर, जैसे इसमें भी जावा सर्वर JS है, पी मतलब पेज और यहाँ एफ मतलब फेसेस, ठीक है। अब फेसेस का मतलब ह्यूमन फेस नहीं है, वो अलग चीज़ है उसमें, क्योंकि ये सारे वेब एप्लीकेशन को डेवलप करने में यूज होते हैं। नेक्स्ट है एंटरप्राइज एप्लीकेशन। अगर आप एंटरप्राइज एप्लीकेशन को देखें तो क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं नेचर में, जैसे बैंकिंग एप्लीकेशन, ठीक है। अब इसके एडवांटेज क्या है कि हाई लेवल की सिक्योरिटी चाहिए, लोड बैलेंसिंग, एक टाइम पे कितने लोग काम कर रहे हैं वो बैलेंस हो जाए, उस पर लोड बैलेंसिंग होना चाहिए एंड क्लस्टरिंग होनी चाहिए, ठीक है। और जावा में जैसे अगर एंटरप्राइज एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए कौन सा यूज़ होता है? EJB, एंटरप्राइज जावा बिन, ये है मॉड्यूल जिसका यूज़ करके, जिसको सीख के आप एंटरप्राइज एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन जो मोबाइल डिवाइसेस पर रन हो, मोबाइल डिवाइसेस सिर्फ आपका मोबाइल फ़ोन नहीं, मोबाइल मतलब एक जगह से दूसरे जगह, मतलब है ना, जो आप लेके चल रहे हो मोबाइल डिवाइसेस को। बट जनरली ये देखा है कि जो एंड्रॉयड है आपका वो भी जावा का यूज़ करता है, ठीक है। तो एंड्रॉयड और जावा ME, ये दो हैं जो यूज़ होते हैं टू क्रिएट मोबाइल एप्लीकेशंस।